नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 70 न्यूज। खबर वाराणसी से है। पत्नी और साली को जलाकर युवक हुआ फरार। पड़ोस और घर के लोगों ने आनन फानन में पानी डालकर बचाई जान। वाराणसी सारंग तालाब निवासी रश्मि गुप्ता का विवाह 20 वर्ष पहले शिवपुर निवासी पिंटू गुप्ता से हुआ था। शादी होने के बाद लगातार लड़ाई व पारिवारिक झगड़े के कारण रश्मि गुप्ता मायके आकर 20 दिनों से रह रही थी। रश्मि गुप्ता का पति पिंटू गुप्ता रविवार की दोपहर अपनी पत्नी को जलाने के लिए बोतल में पेट्रोल लेकर पत्नी के पास पहुंच जाता है। घर में मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक वह पेट्रोल छिड़क कर माचिस लगा देता है। माचिस लगाने से आग पूरी तरह कमरे में फैल गई। आस पड़ोस के लोग आनन फानन में पानी छिड़क कर आग बुझाने में लग गए, लेकिन तब तक रश्मि गुप्ता की बड़ी बहन सविता का पैर जल चुका था। लोगों ने पुलिस को सूचना देकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़ित को लेकर जैतपुरा थाने पहुंचे। वहीं वारदात करने वाले पिंटू गुप्ता मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इसके पहले भी रश्मि गुप्ता पर कई बार जानलेवा हमला कर चुका है, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते कोई गंभीर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस बार फिर से जानलेवा हमला किया गया। अगर इस समय हमारे आस पड़ोस के लोगों ने हमारी सहायता नहीं की होती तो आज हमारे साथ बड़ा हादसा देखने को मिल जाता। स्टार 70 न्यूज की कवरेज, निखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।